हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से ये लूमा वाला जो लोगो है किस तरीके से अपडेट करना है बैकएंड से। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है हमारे कंटेंट में, कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपके पास थीम जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो सेलेक्ट करनी है, जो आपने सेलेक्ट कर रखी है। उसके बाद आपके पास आता है हेडर, ठीक है। हेडर के अंदर लोगो नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। कोई भी इमेज आप चूज़ कर सकते हो, तो मैं अभी ये वाली फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप कोई भी लोगो डाउनलोड कर लो। यहाँ पे मैं लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ। लोगो डाउनलोड, डाउनलोड इमेज, ठीक है। तो मैं कोई भी यहाँ पे इमेजेस में जाके लोगो चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं मान लो कि कौन सा लोगो, जो ये वाला लोगो ठीक ठाक है, नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये वाला, ये ठीक नहीं। अभी के लिए हम ये ट्राई कर लेते हैं। ओके okay. तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ, इमेज को। ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये तो वेब पी है, तो इसको क्लोज कर लेता हूँ मैं। कोई और कोई सिंपल सा लोगो देख लेते हैं। इमेज इन अ न्यू टैब, सेव कर लेते हैं इस इमेज को। सेव इमेज, ओके मैंने सेव कर ली इमेज। मैं गया डिफ़ॉल्ट स्टोर पे, डिलीट करके मैंने दूसरी इमेज सेलेक्ट कर ली ये वाली, ठीक है। सेव कर लिया मैंने। ओके अब जाके मैं क्या करूँगा, कैश फ्लैश कर दूँगा। हो गया, रिलोड कर दूँगा पेज को। तो आप देख सकते हो मेरा लोगो क्या हो गया, चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे हाइट विड्थ भी सेट कर सकता हूँ इसकी। मैं जाऊँगा एडिट के ऊपर, ठीक है। फटाफट से यहाँ पे चेक कर लूँगा हेडर। हेडर में लोगों की हाइट विड्थ है, तो मैं यहाँ पे मान लो कि 200 पिक्सल्स बाय 200 रख लेता हूँ, ठीक है। मैंने सेव कर दी कॉन्फ़िगरेशन। कैश मैनेजमेंट मैंने फ्लैश कर दिया कैश है, ठीक है। कैश फ्लैश, देन वी कैन रिलोड दिस। तो आप देख सकते हो इसकी हाइट विड्थ हम एग्जैक्टली यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 626 है और मैंने यहाँ पे हाइट विड्थ सेट की है इसकी 200 200। तो मैं इसकी हाइट वेट सेट कर लेता हूँ, पता नहीं किस विड्थ और हाइट में ये यूज़ कर रहा है। तो मैं इसको देखता हूँ, हाँ तो 100 बाय 100 कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जाओगे यहाँ पे डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन में, एडिट करोगे, तो वहीं से आप HTML में तो चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर दो, 100 बाय 100 कर दो, ठीक है। 100 बाय 100 कर दो, इसको सेव कर दो कॉन्फ़िगरेशन को। कैश फ्लश द कैश, अब देख सकते हो कि हमारा लोगो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोगो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी इश्यू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और प्लीज़ हिट लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।